नहीं झूमर झूमर आराम से बस आराम से झूमर। दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है अतीना के लिए भी और मेरे लिए भी। अतीना को पहले बाहर निकालते हैं जब इसको एक गुड न्यूज देते हैं। अतीना आजा 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 आजा, क्या हाल है अतीना? है शाबाश शाबाश शाबाश, देखिए यार कितनी खुश होती है। आजा अतीना, इस साइड आ, सिट सिट डाउन डाउन। दोस्तों आज ना अतीना के लिए हम एक उसका दोस्त लेकर आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास वो खैर खुद ही आ रहा है। वो है एक यूरोपियन डोबरमैन और इससे तो काफी छोटा है वैसे वो, लेकिन इससे इतना ज्यादा वो ट्रेंड है ना, वो कहने पर भौंकता है, कहने पर बैठता है, कहने पर खड़ा होता है और वो ऐसी ऐसी चीजें करता है जैसे रस्सी पीछे बांध के अपनी कमर पे और उसे खींचता है। मतलब पावरफुल भी डॉग है, बहुत सारी चीजें करता है। पापा के पास वीडियो आ चुकी है उसकी, ओए बैठ जा, पापा के पास उसकी वीडियो आ चुकी है, वो बहुत अच्छा है दिखने में। ठीक है मैं भी आप लोगों को दिखा ही देता हूँ कि वो किस तरह का डॉग है। ठीक है तो उसे जल्दी से देख लीजिए और मेरे पास वापस आइए जल्दी। तो दोस्तों आपको ये डॉग कैसा लगा जरूर बताना। और देखिए अतीना तो खुश हो चुकी है। अतीना खुश हो, तुम खुश हो? भाई अतीना तो खुश हो चुकी है, इसके लिए जल्दी से एक दोस्त आने वाला है इसका। वैसे आज ना युवराज के पास हमें जल्दी से जाना होगा क्योंकि आज उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आ रहे हैं। जल्दी से पहुंचते हैं कैनल पर और वहीं आपसे मिलते हैं। ठीक है मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों कैनल पर और आज का सीन बताऊं यार, युवराज के पैर में बहुत दिनों से दिक्कत चल रही है, उसके खुर सही नहीं होके दे रहा, ठीक होता है और हम फिर उसको जब थोड़ी बहुत घुमाई उसकी कराते हैं फिर से उसके एकदम से वो चोट एकदम नई हो जाती है, ताजी हो जाती है। मामा मांगे आए हैं और मामा विजेंद्र आए हैं, दो मामा आए हैं, वो अंदर आकर उस घोड़े का आज ट्रीटमेंट करने वाले हैं। उसके में तेल वेल डालेंगे गर्म करके। ये चीजें पता है मैं क्यों देखता हूँ? मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ी अपने घोड़ों को कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देने की, तो मैं कम से कम कर तो लिया करूंगा अगर ये लोग भी मौजूद ना हुए तो। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं वो क्या क्या करते हैं आज। तो दोस्तों युवराज का आज का ट्रीटमेंट पूरा हुआ। इसके पैर पर आज हमने बांध कर तेल वेल लगाया था, तेल लगाया था, थोड़ी कटिंग वटिंग करी खुर की। ये देखे फर्क यहाँ पर नजर आ जाता है यार, इस पैर को तो ये बहुत ज्यादा मोड़ रहा है, उस पैर को बहुत कम मोड़ रहा है। जिसको पता होगा ना ये सारी जो चीज है ना ये गामची होती है घोड़े की। और देखो दोनों में डिफरेंस देखो, इसको थोड़ी सी ज्यादा नीचे मोड़ रहा है, उस वाले को कम मोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी खुर वुर में जहां भी दिक्कत है ना उसकी वजह से ही इसको ऐसा हो रहा है। थोड़ा दर्द है अभी, दर्द जैसे सही हो जाएगा ना वैसे ही ठीक हो जाएगा ये। चलो आज का इसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया था पर चलो कोई बात नहीं, मैंने देख लिया कैसे कैसे होता। यार अभी ना 3:30 बज रहे हैं और देखे थोड़ी बहुत धूप अभी है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी ना लगभग 4 बजे के आसपास हम युवराज को ना आज चलाकर देखेंगे। क्योंकि आज जैसे हमने इसका ट्रीटमेंट कराया आपने देखा होगा, हमने तेल डाला है, हमने पेट्रोल भी डाला है और हमने उसका खुर थोड़ा कट वट के साफ भी करा है। तो आज वो आए हैं तो इस चीज का हम फायदा उठाएंगे और उनसे ना घुड़सवारी कराएंगे। तो शाम के ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं दोस्तों और देखो भाई हमारे युवराज तैयार होने लग गया है, मामा जी लगाम लगा रहे हैं इसको। और अब मैं इसके लिए लाता हूँ जल्दी से गद्दी, सिखाओ मुझे ये वाली गांठ गेड़ दी। ठीक है अच्छा मामा को आप बैठाओ। तो यार मैंने तो भी राइडिंग कर ली है और भाई मेरी जांघें भर गई हैं।
चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। घोड़ा लेकर लाए, घोड़ा चला रहे हैं। मुझसे तो यार धुड़की पे चलता है घोड़ा, अभी ये चला के दिखाएंगे देखो चाल पर। चलो बता दूं मैं अभी फोन करूंगा। बस Oh shit. Oh, oh. भाई गाय खुल गई। हम घोड़ा घुमा रहे थे और यहां पे पता लगा गाय खुल गई। आराम से झूमर, आराम से, बस आराम से झूमर। आज तो उसने कमाल ही कर दिया यार। हम बाहर घोड़े को घुमा रहे थे और अंदर ये पता नहीं कैसे खुल गई। इसको पकड़ना पड़ेगा भाई। ए बदतमीजी मत करिए उस बार, आजा। अच्छा आराम से चल यार, इस बार ना भाग जाए बस ये। अच्छा आजा यार, इस बार भाग गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ए झूमर आराम से चल, चल चल आराम से चल 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 इधर चल, आजा आजा। ओ ओ भाई बांधी बांधी यार। यार हम अच्छा खासा घोड़ा चला रहे थे और वहां से ना कुत्तों के भौंकने की बहुत तेज तेज आवाज आई। पापा जी ने मुझे भेजा कि शायद कोई घोड़ा खुल गया पक्का। मैं भाग कर आया ना तो पता लगा गाय खुली हुई थी, यानी कि हमारी झूमर यहाँ सारे में भागी फिर रही थी। इसीलिए देखो यार डॉग्स बता देते हैं। अब जल्दी से चलते हैं दोबारा से बाहर। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना ही खुद को चोट भी लगा सकती थी। अब चलते हैं जल्दी से घोड़े के पास, इस बार नहीं खुलनी चाहिए। चलो दोस्तों, युवराज ना बहुत बुरी तरह से थक गया है आज तो। काफी दिन के बाद इसकी एकदम से बहुत ही टाइट वाली ट्रेनिंग करवा दी आज, और मेरी भी, मुझे भी बहुत बार बिठाया इसके ऊपर। पर अब जल्दी से इसको थोड़ा सा ठंडा करके अंदर लेकर चलते हैं। जाओ भाई युवराज, युवराज की लगाम उतार दी है और गद्दी भी उतार दी है और थोड़ी देर को इसको खुला छोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ा ये घूमकर रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद वापस अपने घर में अपने आप चला जाएगा।